एक गांव में एक लता नाम की औरत रहती थी। लता लोगों के गेहूं पीस के अपनी रोजी रोटी कमाती थी। वो सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करती थी। एक दिन लता को बहुत बुखार आया। वो सुबह से एक मिनट के लिए भी काम नहीं कर पाई। लोग अपना आटा लेने के लिए आए और लता पे बहुत नाराज हुए। लता को बहुत दुख हुआ और लोगों के जाने के बाद वो किसी तरह से उठ के चक्की पीसने लगी ताकि वो सबका काम खत्म कर पाए। लता इतनी कमजोर हो चुकी थी कि चक्की पीसते पीसते वो वहीं सो गई। नींद में उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो एक छोटे से खेत में खड़ी थी और उसके हाथ में कुछ गुलाबी रंग के चमकीले बीज थे। फिर सपने में लता ने वो बीज चक्की में डाल दिए और चक्की में से गुलाबी धुआं निकलने लगा। नींद से उठने के बाद लता को अपना सपना याद आया, पर उसने उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किसी तरह से अपना सारा काम खत्म किया। अगले दिन उसे वापस वही सपना आया। पांचवे दिन के सपने के बाद लता को लगा कि उसे वो बीज ढूंढने ही पड़ेंगे। वो बीज के तलाश में निकल पड़ी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। गांव में एक बूढ़ी औरत थी जो लोगों को दवाइयां बांटती थी। लोग कहते थे कि उसे जादू आता है। लता उस बूढ़ी औरत के पास पहुंची और उसे अपने सपने के बारे में बताया। बूढ़ी औरत ने तुरंत अपने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और फुसफुसा के कहा, लता बेटी, ये कोई मामूली सपना नहीं, वो चक्की जादुई है और वही तुम्हें सपने दिला रही है। पर वो बीज मुझे मिलेंगे कैसे? लता ने पूछा। बूढ़ी औरत ने अपने दवाइयों की किताबों के पीछे से एक बहुत पुरानी किताबें निकाली। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसने कहा, मिल गया। सूरज के ठीक निकलने से पहले तुम्हें घर से निकलना होगा और इस दूर पहाड़ के तरफ जाना होगा। रास्ते में तुम्हें तीन जंगलों को पार करना पड़ेगा। पहले जंगल में चांदी के पत्ते होंगे, अगले में सोने के और तीसरे में हीरे के। ध्यान रहे, चाहे कितना ही मन करे, एक भी पत्ता तोड़ना नहीं, वरना बहुत बुरा होगा। जंगलों के पार एक छोटा सा खेत है, उस खेत में ही तुम्हें जादुई बीज मिलेंगे। अगले दिन लता बहुत सुबह उठी। सूरज निकलने से पहले ही वो दूर के पहाड़ की तरफ निकल पड़ी। घंटों चलने के बाद वो चांदी के जंगल में पहुंची। जाते ही उसे आवाजें आई, लता, एक चांदी का पत्ता तोड़ ही ले, कितने पैसे मिलेंगे इसके बदले। लता चुपचाप चलती रही। फिर वो सोने के जंगल में पहुंची। उसे फिर आवाज आई, लता, एक सोने का पत्ता तोड़ ही ले, तू कितनी अमीर हो जाएगी। पर लता ने एक भी पत्ते को हाथ नहीं लगाया। तीसरा जंगल हीरो से चमक रहा था। लता को फिर से आवाज आई, लता, हीरो से भरा ये जंगल, एक तो पत्ता तोड़ ही ले, तू फिर कभी गरीब नहीं होगी। लता का मन तो किया, पर उसने एक पत्ते को भी हाथ नहीं लगाया। आखिर जंगल का रास्ता खत्म हुआ और वो एक छोटे से खेत के पास पहुंची। खेत के हर पौधे पर चमकीले गुलाबी बीज लगे हुए थे। लता ने थोड़े से बीज अपने साथ लिए और तीनों जंगलों से होते हुए घर आ गई। घर आते ही उसने एक बीज चक्की में डाला और चक्की को घुमाया। पूरा घर गुलाबी धुएं से भर गया। जब थोड़ी देर के बाद धुआं गायब हुआ तो लता को जमीन पे सोने का एक भंडार मिला। लता खुशी से उछल पड़ी। उसने बाकी बीज संभाल के रखा और बाजार से कुछ जरूरत के सामान खरीद लाई। पास के गांव में लता के मामा का बेटा चिराग रहता था। एक दिन वो लता को मिलने आया। अरे लता, तेरा घर तो एकदम नया दिख रहा है, तुझे इतने पैसे कहां से मिले?
लता ने भरोसा करके सारी कहानी चिराग को सुना दी। सुनते ही चिराग ने ठान ली कि वो भी बीज ढूंढने जाएगा। अगले दिन वो भी सूरज निकलने के पहले चल पड़ा। चांदी के जंगल में जैसे ही उसे आवाजों ने पत्ता तोड़ने को कहा, उसने एक नहीं बल्कि 50 पत्ते तोड़ लिए। अरे वाह, बीज मिलने के पहले ही खजाना मिल गया। सोने के जंगल में उसने 100 पत्ते तोड़े और हीरो के जंगल में तो उसने 1000 पत्ते तोड़ लिए। आखिर वो खेत पहुंचा और वहां से बीज भी उठा लाया। घर आके उसने लता को कहा, लता मैं तेरा मेहमान हूँ, जा बाजार से मेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे खाने ले आ। जैसे ही लता घर से निकली, चिराग ने फटाफट एक बीज चक्की में डाल दिया। घुमाते ही चक्की से वापस गुलाबी धुआं निकला। चिराग से रुका नहीं जा रहा था, न जाने कितना सोना मिलेगा। पर जब धुआं गायब हुआ तो सिर्फ राख पड़ी हुई थी। चिराग जल्दी से अपने पत्ते देखने गया, पर जैसे ही उसने पत्तों को छूना चाहा, उनमें आग लग गई। चिराग ने जल्दी से उन्हें बाहर फेंका और उन पे खूब सारा पानी छिड़का। लता घर आके हैरान हो गई। घर के बाहर और अंदर राख ही राख पड़ी हुई थी और एक कोने में चिराग रो रहा था। लता को देख के चिराग ने सारी कहानी उसे सुनाई और उससे बहुत बहुत माफी मांगी। लता को उस पे दया आई और उसने कुछ बीज चिराग को देके कहा, चिराग तुम्हें अपने गलती का एहसास हो चुका है, ये बीज लो और घर लौट जाओ।